खाना खा के खेल कूद के माल्टा खाया उसने, वो अपनी वालदा के साथ लेट गया है, उसी दौरान उसको होता सा लगा है और वो ही बस 7 साल का बच्चा जो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था, उस बच्चे के साथ क्या हुआ, किस तरीके से बच्चा वफात पा गया है? कुरान पाक के कितने सिपारे उस बच्चे ने हिफ्ज़ किए हैं? उसका जो 30वां सिपारा है वो उसने निसफ कर लिया हुआ है। इसके अलावा उसने सूरह मुल्क, सूरह रहमान, सूरह यासीन और 35 सूरतें जो उसने याद की हुई हैं। इसके अलावा उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के घर जाके जो है नमाज़ें पढ़ाऊँ। बच्चा साढ़ा बड़ा प्यारा सी, साढ़े छोटे भाई दे 3 बेटे ने, तीनों हिफ्ज़ कर रहे सन। 10 घंटे मस्जिद में रोजाना गुजार के आंदा सी। का भाई जो है वफात पा गया, याया बड़ा दुख हुआ होगा आपको, आपकी कमी तो महसूस हो रही होगी। अच्छा, आप खुद गया था आपके पास सैर करने के लिए या आपने बुलाया था इसको, या छुट्टियां गुजारने के लिए गया था? मैं खुद आया था लेने के लिए उनको, तो मैं ले गया हूँ। 2 दिन हमारे पास रहे हैं, तीनों भाई हमारे साथ गए हैं, वालदा भी साथ गई है उनकी। 2 दिन वहाँ रहे हैं, 2 दिन बाद फिर मैं इनको छोड़ने आया हूँ इधर, खुद छोड़ गया। माशाल्लाह ठीक ठाक था, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बोल नहीं सकते। इतना दुख हुआ है, रंज हुआ है। ये उसका दरमियान वाला भाई है, इससे बड़ा भी एक भाई है। माशाल्लाह सारे भाई जो से तीनों के तीनों भाई जो से एक कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। 7 साल का बच्चा जो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था, उस बच्चे ने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सिपारे जो से हैं वो हिफ्ज़ कर लिए थे। मेरे साथ उनके वालिद मौजूद हैं, समीउल्लाह साहब, उनसे हम बात करेंगे कि बच्चे के साथ क्या हुआ, किस तरीके से बच्चा वफात पा गया है। मेरी तरफ से, पब्लिक पॉइंट की तरफ से, की टीम की तरफ से आप लोगों को अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, परवरदिगार आपको हिम्मत हौसला अता फरमाए और आपकी फैमिली को, आपके रिश्तेदारों को। बताया गया है कि जी बच्चा जो है पहले खाना खाया, खाना खाने के बाद को माल्टा वगैरह खाया है, उसके बाद ओंटिंग आई है, ऐसा कुछ चमका था? बिल्कुल ऐसी बात है, खाना खा के खेल कूद के माल्टा खाया उसने, वो अपनी वालदा के साथ लेट गया है, उसी दौरान उसको होता सा लगा है और वो ही बस। याया जो सा था उसको, जो अपनी मस्जिद में जाता था सिपारा हिफ्ज़ करने के लिए, उसके जो सिपारा हिफ्ज़ करा रहे थे कारी साहब, वो क्या कहते हैं, उनके बच्चे, उनके जो दोस्त हैं, उन्होंने इस सदमे को कैसे देखा है? उनके यही मैं बता सकता हूँ कि उनके कारी साहब जो हैं, खुद उनने उनका जो है जनाजा पाया है, उन्होंने सब को मतलब वो रो रो के उन्होंने पूरी मस्जिद का, वो बड़ा बच्चा जो है ना ही वो जाता था, वो अपना घर कर लेता था, यही बात है इसकी। नाजरीन बता रहे हैं कि जी जहाँ बच्चा जाता था अपना घर कर लेता था, ऐसे जो इस वक्त बच्चे होती हैं जो माँ बाप को ज़्यादा प्यारे होते हैं, ज़्यादा अजीज़ होते हैं, उनको अल्लाह ताला भी प्यार करता है, अल्लाह ताला को भी ऐसे बच्चों की ज़रूरत होती है। और कुरान पाक के कितने सिपारे उस बच्चे ने हिफ्ज़ किए हैं? उसका जो 30वां सिपारा है वो उसने निसफ कर लिया हुआ है। इसके अलावा उसने सूरह मुल्क, सूरह रहमान, सूरह यासीन और 35 सूरतें जो उसने याद की हुई हैं। इसके अलावा उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के घर जाके जो है नमाज़ें पढ़ाऊँ। अब अहदीस हैं, मुश्किल अहदीस जो हैं उसने माँ तर्जमा याद की हुई हैं, जो हम इतने हो गए हमें भी नहीं आती हैं, उसने याद की थी। मसनून दुआएं थी 30, वो याद की हुई थी उसने, बड़ा लगाव था उसको। तो मैं बात करूंगा इनके साथ बैठे हुए हैं भाई, उनसे पूछूंगा कि वो क्या कहते हैं उस बच्चे के बारे में। जी सर, वालेकुम सलाम। बच्चा साढ़ा बड़ा प्यारा सी, साढ़े छोटे भाई दे 3 बेटे ने, तीनों हिफ्ज़ कर रहे सन। एक ने हिफ्ज़ कर लिया, 2 बच्चे हिफ्ज़ करते ने पे, 3रे नंबर का छोटा बच्चा सी। ते मदरसे विच भी एडे बच्चे ते दाखिल ही नहीं सी करते, ठीक है। उसका बड़ा शौक सी, बड़ी उसकी मोहब्बत सी, 10 घंटे मस्जिद में रोजाना गुजार के आता सी, ठीक है। काफ़ी सूरतों वड्डियां छोटियां काफ़ी सूरतों याद सन, हदीस याद सन, तर्जमे ना याद सन। बस फिर अचानक ही सानू तो समझ ही नहीं आई भाई बच्चे हो की गया, उल्टी की। जी नाजरीन, जैसे मैंने बताया याया बच्चा जो था जिस वक्त वो फोत हो गया, ये उसका दरमियान वाला भाई है, इससे बड़ा भी एक भाई है। माशाल्लाह सारे भाई जो से तीनों के तीनों भाई जो से एक कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद बेटा बताइएगा कि कुरान पाक का हिफ्ज़ कर रहे हैं, कोई तलावत जो
सूरत गुहा मक्कीया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आख़िरतु ख़ैरुन वअबक़ा इन हाज़ा लफिस सुहुफिल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। आपकी कितनी उम्र है बेटा? मेरी जी मेरी 11 साल। 11 साल? नादनी वो बच्चा 7 साल का था, ये बच्चा उससे बड़ा है, 11 साल का है, इससे बड़ा माशाल्लाह भाई है इसका। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, परवरदिगार। आपने कितने सपारे हिफ्ज़ कर लिए? अभी आधा है। आधा कुरान पाक अपना 30वें सपारे पे? कितने सपारे पे आप? 30वें सपारे पे। माशाल्लाह ये बच्चा भी 30वें सपारे पे, जो मेरे साथ उस बच्चे के नाना भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो उन्होंने अपने नवासे को किस तरीके से देखा। नवासे तो जो उनसे सारे प्यारे होते हैं। ये या एक फूल था, हालांकि 18 तारीख में इधर आए उनको, उसको घर ले गया हूँ। 2 दिन हमारे पास रहा उधर गाँव में। बताइए कौन सी जगह? महमूद जमना। तो 20 तारीख को मैं उसको छोड़ गया हूँ इधर दोबारा वापस। फिर तो मुझे तो फिर कुछ बोल नहीं सकते, इतना दुख हुआ है, रंज हुआ है, कुछ जुबान बोल नहीं सकती है उसके बारे में। अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे। तो 4-5 दिन बाद पता चला बेचारा बीमार हो गया। तो अस्पताल में देखा तो बयान कुछ नहीं कर सकते क्या बोले उसके। अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे, वालदैन को सब्र दे। तो सहीगा बच्चा, आप खुद गया था आपके पास सैर करने के लिए या आपने बुलाया था इसको या छुट्टियाँ गुजारने के लिए गया था? मैं खुद आया था लेने के लिए उनको। तो मैं ले गया हूँ, 2 दिन हमारे पास रहे हैं, तीनों भाई हमारे साथ गए हैं, वालदा भी साथ गई है थी उनकी। 2 दिन वहाँ रहे हैं, 2 दिन बाद फिर मैं उनको छोड़ने आया हूँ इधर। खुद छोड़ गया माशाल्लाह ठीक ठाक था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके कज़न की छोटा उसकी सालगिरह थी, बहुत ऐसे इंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बहुत खुश थे। तो जिस दिन आने लगा था कहता चलो मैं चलो और माल्टे लेके आते हैं। ये दरख्त लगाए हुए थे वहाँ से माल्टे तोड़े खुद मेरे साथ, कहता इससे तोड़ो, इधर से तोड़ो, इधर से माल्टे तोड़ो। तो ले के आए हैं। तो अल्लाह पाक ने टाइम इतना उसको इतना दिया था जी। मेरे साथ हाफिज़ ताऊ रहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं, ये उनका सबसे बड़ा भाई है याया का। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि माशाल्लाह इस बच्चे ने भी एक बार कुरान पाक जो सा हिफ्ज़ कर लिया है और दूसरी बार जो सा कुरान पाक जो सा वो हिफ्ज़ करने जा रहा है। मैं ये भी बताता चलूँ कि अभी माशाल्लाह इसकी भी उम्र जो सी है 12 साल उम्र है बच्चे की। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बताइएगा कि आपने कुरान पाक जिस सिर्फ पहली दफ़ा हिफ्ज़ किया था, आपके वालदैन की जो खुशी थी वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा। रिश्तेदार जो महल्लेदार थे वो कैसा महसूस कर रहे थे आपको? बहुत ज़्यादा खुश थे। तो अब दूसरी दफ़ा आप कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, आपकी उम्र 12 साल है जी। दूसरी दफ़ा जिस वक्त आप हिफ्ज़ कर रहे हैं, जो आपके कारी साहब हैं या मस्जिद में जो इमाम मस्जिद हैं, वो कैसा क्या समझती हैं आपके बारे में, क्या कहते हैं? खुश हैं वो भी। खुश हैं वो भी। अभी जो सा आपका भाई जो सा है वफात पा गया याया, मुझे बताइए क्या बड़ा दुख हुआ होगा आपको, आपके वालदैन जो हैं सदमे से नडाल हैं, मल्ले वाले जो हैं सदमे से नडाल हैं। मुझे बताइएगा कि आप क्या समझ रहे हैं, आपका साथी था, आपका दोस्त था, आपका भाई था, आपके साथ जाता था आता था, कमी तो महसूस हो रही होगी जी। तो अब उसके जो दोस्त हैं वो क्या समझते हैं, वो क्या पैगाम देते हैं दोस्त, उनके बारे में क्या कहते हैं? उनको भी वो भी आए हुए थे, वो भी रो रहे थे पे। तो कुरान पाक आपने माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रहे हैं, आपने कुरान पाक जो है दूसरी दफ़ा हिफ्ज़ करने जा रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कि जो कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद आपका क्या प्रोग्राम है, आप क्या करेंगे बड़े होकर? आलिम बनना चाहते हैं जी। माशाल्लाह जी बता रहा है बच्चा कि मैं जो है कुरान पाक जो है हिफ्ज़ करना सिर्फ मेरा काम नहीं है, मैं आलम बनना चाहता हूँ, मैं एक बड़ा जो है आलम बन कर इस अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ, इस्लाम की खिदमत करना चाहता हूँ, जो हमारा फ़र्ज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल्फतह वरअयतन्नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बच्चे के बारे में आप क्या कहते हैं? बच्चा हमारा बच्चा बहुत प्यारा था,
याया उसका नाम था, वो मदरसे में जाता था। मदरसे के उलमाए कराम को मैंने देखा है, उसके लिए बिलबिलाते हुए देखा है। वो उसके लिए रो रो के दुआएं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 35 अहादीस इसको बच्चे को अरबी के साथ याद हैं, तर्जमे के साथ याद हैं, 30 दुआएं याद हैं, बड़ी छोटी सारी सूरतें इसको याद हैं। मुख्तसर बात यह है कि वो जिधर भी जाता था अपना घर कर लेता था। अल्लाह ताला सब्र दे जी, अल्लाह ताला सब्र दे आप। मैं समझता हूँ जी, ये बच्चा अल्लाह पाक की एक नेमत था जो वालदैन को मिला हुआ था, और अल्लाह पाक अपनी जो नेमतें किसी को देता है वो जल्दी ले लेता है। अभी पता चला बच्चा अभी 7 साल का था, तो 7 साल के अंदर हमारे बच्चों को सही तरीके से सबक भी नहीं आता, उसको 35 सूरतें याद थी, 30 अहादीस जो याद थी, और 25 अहादीस बमाए तर्जमा याद थी। पर मैं समझता हूँ हमें अभी तक बड़ों को भी इतनी नहीं याद जितनी एक बच्चों को है। इतनी छोटी उम्र के अंदर एक बच्चे ने अपना एक इमेज बना लिया था, और फिर मज़े की बात यह है कि वो जिस मस्जिद के अंदर जाता था नमाज से पहले पहुँचता था और हर एक के साथ जाके सलाम दुआ लेता था। और जब उसकी वफात हुई है तो जो इमाम साहब थे उन्होंने उसका तारफ जो है कराया है, किसी उसके किसी रिश्तेदार का किसी बड़े के हवाले से उसका रेफरेंस नहीं दिया, बल्कि दिया कि उस बच्चे का नाम लेके कि वो फोत हुआ है। और उससे बड़ी बात यह है कि वो बच्चे के जिस मस्जिद में जाता था घर वाले भी नहीं जानते, वो लोग अफसोस के लिए आए कि वो बच्चा जो ऐसा कहना है मशहूर था लोगों के अंदर। ये नाजरीन जैसे बताया गया है कि मोहल्ले वाले भी बेचारे अफसुदा हैं उस बच्चे की फोत होने पर। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं परवरदिगार उस बच्चे के वालदैन को, उसके रिश्तेदारों को, और उसके जितने अजीज व अक़ारिब हैं मोहल्लेदार हैं, अल्लाह ताला उनको परवरदिगार सब्र अता फरमाए। और मेरी पब्लिक टीम की जानब से, मेरे हम लोगों की जानब से भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं परवरदिगार हर बच्चे को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। ये मासूम बच्चा था, मासूम फूल था, अभी खिला भी नहीं था, और अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया। अल्लाह ताला से ये भी दुआ करता हूँ कि परवरदिगार उस बच्चे के सदके परवरदिगार उनके वालदैन की मकसद का जरिया बना दे। इसके साथ इजाज़त दी अपने अंकल और फीको लाभ।